नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपने भारत में जितने लड़के एग्जाम देने वाले हैं, वो चाहे प्रतियोगिता के एग्जाम हो या कोई पुलिस विभाग का हो या किसी भी विभाग का हो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं एग्जाम क्वालिफाई करने के ऐसे दो ट्रिक बताऊंगा जिसका आप उपयोग करके एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। और बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, गलत मत समझिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें मैं दोस्तों दो पॉइंट बताऊंगा, अगर आप दो पॉइंट फॉलो कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस उसमें एक शर्त है, जिनमें माइनस मार्किंग आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, जिनमें माइनस मार्किंग आया हो वो लोग ये ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे। ध्यान देने योग्य बात ये है, चेतावनी है कि जिनके में माइनस मार्किंग है वो ये ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, फॉर्म भरते हैं परीक्षा के लिए, एग्जाम होता है जो, उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्रश्न लिखा होता है, चार ऑप्शन होते हैं, चार में से एक सही होता है, तो उस एक में आपको वो जो चार ऑप्शन आते हैं दोस्तों ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है। अगर आपको आ रहा है चार ऑप्शन में कि हाँ कौन सा सही है, तो उसमें तो आपने टिक लगा दिया या तो मार्कशीट में गोला बना दिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें आपको चारों सही समझ में आएंगे। अब पड़ती है बात इसमें कि अब इसमें हम किसमें टिक लगाएं या किसमें गोला बनाएं, किसमें बबल बनाएं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से ऑप्शन पे टिक मारना है ताकि आपका परसेंटेज नंबर जो होता है वो सही हो जाए। तो दोस्तों नंबर एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर एक ट्रिक दोस्तों, आप सबसे पहले जितना आपको आ रहा है, एक से सौ तक अगर आया है तो उसमें जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं पहले तो आप कर लीजिए, उसके बाद जितने क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उसमें एक ही ऑप्शन पे टिक मारते चले जाइए। कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए, ए बी सी डी में कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए, एक ही ऑप्शन पे टिक मारिएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप 40 नंबर का कर लिए हैं, 60 नंबर का कर लिए हैं, 40 नंबर अगर नहीं कर पाए तो ऐसे में आपको 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे, अगर 40 नंबर किए तो 15 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों पहली ट्रिक तो मैं आप लोगों को ये बता दिया, आपके 10 से 12 नंबर कंप्लीट हो गए, मतलब कि अगर आप 60 नंबर का कर लिए हैं तो आपके 10 12 नंबर, अगर 40 नंबर किए तो 15 नंबर कंप्लीट कर दिया मैंने आपका। और इसे आप लोग पेपर उठा करके, अगर आपके पास कोई भी पेपर हो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, तो इसको गलत मत समझिएगा, जा करके मिला करके चेक कर लीजिएगा, अगर गलत निकल जाए तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। दूसरा नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दूसरा नंबर आप लोग गौर से सुनिएगा। पहले तो आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आए हैं उसे आप कर लीजिए, अब उसके बाद जो बचे हैं, जैसे 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 क्वेश्चन को हम चार भागों में डिवाइड कर देते हैं, 25 25 25 25 25 चौको 100, मतलब 25 25 का एक खंड बना दिए। अब एक से 25 तक में एक ऑप्शन पर टिक लगाना है, जितना नहीं आया जो आया उसको तो आप लगा के रखें, जितने क्वेश्चन नहीं आए हैं आपको, जैसे एक से 25 में आपको 15 आ गए, 10 नहीं आ रहे हैं तो 10 में आपको एक ही ऑप्शन में टिक मारना है, ए पे मार दिए। उसके बाद 25 से 50 में जितने नहीं आए बी पे मार दीजिए, 50 से 75 में जितने नहीं आए सी पे मार दीजिए, 75 से 100 में जितने नहीं आए डी पे मार दीजिए। दोस्तों आप ये मान के चलिए कि अगर आप 60 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो आपके 15 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। और इसे जा करके आप लोग मिला लीजिएगा, अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास पेपर तो होगा, नहीं तो मॉडल पेपर होते हैं, आज के जो बुक आती हैं एग्जाम के लिए उसमें मॉडल पेपर दिया होता है, आप जा करके उसमें मिला करके चेक कर लीजिएगा, अगर गलत निकल जाए
तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, अगर सही निकल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।